कैन यू हियर मी नाउ? मुझे लगता है इसी में हमारा समय निकल जाएगा जब एक दूसरे से बात नहीं कर. कैन यू हियर मी नाउ? आई कैन हियर यू बराबर. नाउ यू कैन हियर मी? यस, आई कैन हियर यू एब्सोल्युटली. ओके, थैंक. हे कंचन, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ब्यूटीफुल. बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. Soni, actually you are looking very beautiful. First thing as usual. Thank you. And I just wanted to tell you one thing. Like, guys, normal cloth becomes a brand if she wears it. Thank you for that, Swati. She's so beautiful. The way she carry herself. Let me tell you who I am actually. I am. Yeah, Swati, please introduce yourself. Yes, I am Swati from Talent Runway. We have a celebrity management company called Talent Full On. She is our exclusive celebrity from last 10 years. Yes. And she has been very sincere, wonderful actor and wonderful performer. Thank you. Hi, Jerry. Jerry, ka birthday hai kal. Oh, Jerry. Chalo, abhi hum birthday ke din aapko birthday wish karenge. Okay, so basically, we wanted to, you know, ask you a few questions so that, you know, whatever, like, people want to know about your life, your career, how you made your career in this field, and how you came into about Big Boss, everything. So, hi, Deepika. So, I just, like, hi, Siddharth. I want to know about your career, like, how you started your career, and how you got into Big Boss. ये वाले सवाल एक्चुअली बिग बॉस वाला स्पेशली मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जो मेरे टीवी इंडस्ट्री के फैंस हैं और सॉरी टीवी इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं, वो भी मुझसे सवाल, जबकि वो इस इंडस्ट्री में है तो भी मुझसे ये सवाल करते हैं. तो जी हाँ, आज मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी. बिग बॉस एक ऐसी चीज है जिसको जो बंदा सीरियल नहीं देखता या जो टीवी नहीं देखता वो भी बिग बॉस देखता है. So we want to know about, you know, how you got into this, what was your experience, so all this thing. जी, मैं बिग बॉस में बहुत अजीब लगेगा आपको सुनकर, पर मैं बिग बॉस में नहीं आना चाहती थी. मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे लोग लड़ाई करते हैं और मैं सिर्फ सीरियल में दिखाती हूँ, एक किरदार ऐसा प्ले करती हूँ जिसमें मैं लड़ाई कर रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, घर तोड़ रही हूँ. तो मेरा जो कैरेक्टर है वो दोनों अलग है. मैं बहुत फन लविंग पर्सन हूँ. मुझे इस तरह जहाँ फाइट होता है तो आई टोटली अवॉइड, मैं बात वहाँ नहीं जाती. तो मेरे लिए ऐसा था कि अगर मैं जाऊँगी तो मुझे तो निचोड़ दिया जाएगा शायद, मुझे उठा के कहीं जस्ट अ सेकंड, मुझे तो लोग उठा के कहीं फेंक ही देंगे, मैं यहाँ टिक नहीं पाऊंगी. सो बट देन मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो इस चैनल में थी, उनसे मैंने बात की थी जब मैं कपिल का शो करी थी, वो दौरान की बात है. तो मैंने उनसे कहा था कि मैं एक डांस रियलिटी शो करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने सब जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे डांस के वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे, तो मैं किस तरीके का डांस करती हूँ. तो मैं डांस बहुत पसंद करती हूँ, वो मेरा पैशन है जैसे कि एक्टिंग. तो मैं डांस करना चाह रही थी, पर उन्होंने कहा कि क्यों ना आप एक बार बस अपने के आजमा लो और देख लो. तो क्योंकि मैं एक नेगेटिव किरदार निभाती हूँ तो उनको लगा, जैसे लोग मेरा रियल कैरेक्टर नहीं जानते, उनको लगा घर में आएगी थोड़ी तबाही मचेगी, हमें मज़ा आएगा, हम देखेंगे, फाइट होगी. सो और जैसा वो चाह रहे थे और मैं चाह रही थी कि मैं अपनी पर्सनालिटी वहाँ जाके दिखाऊं कि मैं किस तरह की सोनी सिंह एक लड़की हूँ. तो फिर जब मैं वहाँ पर आई और मैंने मैं रही और मैंने बहुत बहुत ही प्रेयर करके, मेरे भाई ने एक्चुअली मुझे सजेशन दिया कि यू नो यू शुड गो. सो मैं गई वहाँ पर और मैंने ट्राई किया रहने के लिए लड़ाइयों से दूर रहकर. तो कैसे ना कैसे करके मैं एक मेरे ये स्टोरी थी एक बिग बॉस की, मेरे वहाँ तक जाने की. वहाँ क्या क्या हुआ, वो अंदर क्या क्या था, और दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. आपका बिग बॉस में काफी आपका और उपेन पटेल की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, कुछ बातें हुई थी, थोड़ा सा थोड़ा सा यू वांट टू नो. देखो वो जगह ही ऐसी कि थोड़ा सा लोग उसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं.
तो अगर आप कुछ भी दिखाने की कोशिश करोगे तो उसका उल्टा ही दिखेगा, थोड़ा सा वैसा है वो बिग बॉस है, लोग इसको जानते ही है, थोड़ा होता है इतना दिखता है इतना तो यहाँ तो इतना भी नहीं था क्योंकि हम आज भी एक दूसरे को अभी इस साल में राखी नहीं बांध पाए क्योंकि वो लंदन में थे, शूट कर रहे थे तो हम मिल नहीं पाए। तो जी हाँ, मैंने उनको तभी भी अपना भाई माना था, आज भी मैंने अपना भाई मानती हूँ। बस ये है कि हम रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा मिल नहीं पाते, तो वहाँ कहीं ना कहीं बात उछली, उससे गुस्सा भी आया, मैं भी नाराज हुई इस बातों पर लेकर के कहाँ से है, बट ठीक है। उसके बाद जैसे हम बाहर निकले, किसी ने हमें पब्लिकली आज तक मुझे किसी ने सताया नहीं, ना मुझे किसी ने कोई गलत कमेंट्स पास किए, तो आई गेस वो वहाँ तक की बात ही वो वहाँ तक ही खत्म हो गई और उसके बाद तो सब ठीक है। आपने काफी टीवी शोज भी किए हैं, सरस्वती चंद किया जिससे आपको काफी फेम मिला, बेटिया किया था आपने, सो लाइक वी वांट टू नो अबाउट बेटिया एंड सरस्वती चंद। बेटिया और सरस्वती चंद्र दोनों ही दोनों ही अलग है क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और लोगों ने तो मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल में देखा हुआ है, तो बेटिया भी कुछ ऐसा ही था, उसकी भी अलग ही स्टोरी है। इसमें देयर वाज समवन एल्स हु सिलेक्टेड, कोई और थी जो करने वाली थी ये रोल, तो वो काफ़ी पॉजिटिव रोल कर चुकी थी, तो उससे जो कि जो जो कि झुमकी कैरेक्टर था वो नहीं कर पा रही थी वो, तो बहुत उसे कोशिश करवाई तो शायद उससे वो उस तरीके नहीं हो पाया। तो जब मुझसे ये कहा गया कि हम आपको इसमें लेना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप पॉजिटिव दिखो, जो कि ऑडियंस आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी जिस तरह से आपने गुंडा रोल किया हुआ है हर जगह, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं पूरा अपनी कोशिश करूँगी कि मैं पॉजिटिव रोल करूँ। तो मेरी किस्मत थी कि कोई और शूट भी कर चुका था, कोई और वो भी चुकी थी फाइनल, उसके बाद मुझे शो में लिया गया। दैट वाज नाइस। एक्चुअली आपने आप टैलेंट रनवे टैलेंट फुल ऑन के साथ काफी समय से जुड़ी हैं, ये शो ही स्टार्ट हुआ आपका और टैलेंट रनवे का या टैलेंट फुल ऑन का जो कॉम्बिनेशन था, It was started with you. Talent Runway तो basically start ही आपके साथ हुआ। आपने किस तरीके से उसकी new रखी गई, आप भी उसमें मतलब बराबर के हिस्सेदार थे। How was your experience with Talent Runway? Talent Full On तो खैर it's a family show, but how was your experience with Talent Runway and how was working with the team and how what do you feel about Talent Runway fashion show? टैलेंट रनवे फैशन शो मेरे लिए जैसे कि आपके लिए ये एक तरह का आपका बच्चा आप कह सकते हैं, इससे आपने सोचा कि इसका कैसे इसको आप एक बड़े मुकाम पे पहुंचाएं, तो जो आपका सपना था वैसा ही सेम मेरा सपना था। अब शायद मैं इतनी डरी हूँ जितना आप डरे हुए थे, लेकिन आपको देखकर जिस तरह से आप लोगों को मेहनत करते हुए देखा, मैंने यहाँ से वहाँ भाग रहे हो दिन रात कुछ नहीं देखा आप लोगों ने, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आया, क्योंकि जब आप कोई एक नई चीज़ शुरुआत करते हैं आपको पता नहीं होता कि क्या होगा कैसा जाएगा, लेकिन आई स्वेयर जिस तरह से आप स्वाति और अभिषेक और आपकी टीम को सबको जिस तरह से मैंने मेहनत करते हुए देखा, मेरा अलग से और कॉन्फिडेंस उसमें बिल्डअप होता गया। और जब हमारा मुझे याद है हमारा पहला शो था, तो किस तरह से हमने कितनी सारी मुश्किलें देखी, कभी कुछ हुआ कभी कोई प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन शो मस्ट गो ऑन कहते हैं हम चलाते गए उसे, वो चलता गया और टच वुड इतना अच्छा चला कि वो बॉम्बे तक पहुंच गया, मुंबई तक आया और मुंबई ने भी अपनी उतनी धूम मचाई जैसे कि उसने पहले मचाई थी। तो मेरा तो एक्सपीरियंस हमेशा से इस टीम के साथ इतना अच्छा रहा है कि मैं तो चाहती हूँ कि हम कोई और भी इस तरीके का एक नया टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करें। Yes, we are coming with the second season. You right? We have already started second season. Online audition start किया। तो वो आप बता ना वो भी कैसा, क्योंकि मैंने कुछ ही चीज देखा है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैं थोड़ी बहुत चीज अभी सभी को पता है घर में हम काम तो थोड़ा सा घर के हम सभी सबको भाई बने हुए झाड़ू पोछा चल रहा है, सो मैंने आई एम सो सॉरी मैं थोड़ा बहुत ही देख पाई, लेकिन अभी कैसा चल रहा है
स्टार्टेड अ सेकंड सीजन. हम जबलपुर में मध्य प्रदेश स्टेट पे सेकंड सीजन करने वाले थे, बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन वी हैड टू पोस्टपोन. देन वी हैड टू यू नो वी वेंट फॉर दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. नाउ वी आर डूइंग डिजिटल जो सेमिनार्स हो रहे हैं वो डिजिटल हो रहे हैं. मनमोहन तिवारी जी हैं, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर. बस मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर. मनमोहन सर प्रणाम, सर प्रणाम सर. आप हमारे पिच का है सर, बस शान बढ़ गई हमारे पिच की सर. राजा बेटा शरद बजर सुधेर. अच्छा वो हाँ। बातों में लगे. अच्छा शरद त्रिपाठी, त्रिपाठी जी हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं सर. हाँ प्रणाम 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 सर प्रणाम. तो कैसे सर आप कैसे हम आज आप सर नहीं नहीं सर आज आपने आपसे पूरी जनता एक सवाल पूछना चाहती है. क्या आज आपने झाड़ू लगाई अपने घर में? ये तो सबका वही हाल है. हाय जसप्रीत कौर, हाय. अच्छा देखो ये तो आपका बड़प्पन. मनमोहन जी मैं आपकी बचपन से फैन हूँ. मैं जब छोटी थी आपको सुन सोनी मैम आपके बचपन के फैन. हाय प्रियांक, हाय प्री, हाउ आर यू, हाउ आर यू एवरीवन. योगी बोल रहा आई मिस चिकन शवरमा. ओ यार हाँ वो मैं तो बहुत मिस करती हूँ, वो मेरा फेवरेट. मेगा आपको याद है हमारे शो में ग्रूमर थी? हाँ हाँ राइट राइट राइट. हाय मेगा, हाय. शी ओन्स अ ब्रेन ब्रिज एकेडमी करके एक इंस्टीट्यूट ओन करती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास देती हैं. शी इज अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी इन हर फील्ड, सो शी इज जस्ट सेइंग हाय टू यू. एंड देन जेरी, सलमान, योगी, टैलेंट रनवे, आपने मुझे तो पहचाना ही नहीं. टैलेंट फुल ऑन. कौन है आप? मैंने आपको नहीं पहचाना. आई देन दीपिका सेड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. थैंक यू दीपिका, थैंक यू सो मच, थैंक यू. मैं तो एक्चुअली कॉन्शियस हो रही थी कि मैं ऐसा क्या पहनूं जो आप लोग मुझे पसंद करें. थोड़ा सा वो होता है ना कि जब आप किसी से मिलने जाते हो थोड़ा सा वो इस तरह की कॉन्शियसनेस था. लेकिन ठीक है, आप मेरे फैन हैं, आप मुझे किसी भी अवतार में पसंद करेंगे. तो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट टैलेंट रनवे अगेन. टैलेंट रनवे जो है वी हैव स्टार्टेड अप विद सेमिनार्स, ऑनलाइन सेमिनार्स हमने स्टार्ट कर दिया है. वी आर टेकिंग ऑडिशंस ऑनलाइन, विल बी टेकिंग ऑडिशन एवरीवेयर इन इंडिया. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही होगा, डिजिटल के थ्रू ही होगा. यू कैन सेंड योर ऑडिशंस live and then we'll be judged by our honorable celebrities and obviously by our directors. So this is what we are planning to do, so that you know once this lockdown gets over we are ready with the contestant and we can have our final round in Mumbai. So jo humne basically ja ke audition liya tha abhi na karke we are taking audition online so that we don't waste our time. ye jo hamara jo best time hai isko hum utilize karna cha rahe hain. और आपको नवंबर दिसंबर के बाद ही लॉकडाउन खुलेगा, तब तक हमारे पास हर सिटी से कंटेस्टेंट होंगे एंड वी विल बी रेडी विद द थिंग. सो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग. जी हाँ, मैं भी एक्चुअली सोच रही थी कि अभी उनके पास बहुत अच्छा एक उनको एक लंबा टाइम और मिल गया है, वो अपने आप को और इसको ग्रूम कर सकते हैं और नई नई चीज़ें सीख सकते हैं. तो जो लास्ट टाइम उन्होंने अगर हमारा शो देखा होगा तो देखा होगा कि कुछ लोगों ने जो मिस आउट कर दिया, जिस तरह से वो थोड़ा पीछे रह गए, जो चीज़ अब उनमें जो उनमें मिसिंग थी जब हम उन्हें फाइनलाइज कर रहे थे और जो चीज़ें बता रहे थे. तो ये वाले कंटेस्टेंट्स एक्चुअली उस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं और अपनी चीज़ों पे काफ़ी वर्क कर सकते हैं. सो इट्स अ गुड टाइम. आप अभी हम भी कितना हम इतना काम करने के बाद भी हमको लगता है कि हमने अभी भी कुछ कुछ चीज़ें नहीं सीखी. जैसे कि अब मैं कथक प्रैक्टिस कर रही हूँ. मैंने बीच में मैं जब बेटियाँ का टाइम है था आई गेस तब मैंने कथक सीखा था. उसके बाद तो मेरे गुरुजी अगर अभी देख भी रहे होंगे मेरी वीडियो डांस के लिए बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि मैं अच्छा तो डांस करती थी, अभी थोड़ा सा मिस आउट हो गया. तो अब मैंने सोचा है कि मेरा ये इतना अच्छा समय मिला है, मुझे इतना टाइम मिला है, मैं इसका यूटिलाइज करूँ, मैं कथक सीखूँ फिर से जो मेरा छूट गया था. तो मैं अभी सीखी हुई चीज़ को दोबारा सीख कर उसे पक्का कर रही हूँ कि
मैं जरूर इसे एक मे बी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर मे बी जब हमारा ये नेक्स्ट सीजन आएगा तो इसमें एक क्लासिकल परफॉर्मेंस तो जरूर हो सकती है. क्यों स्वाति? बिल्कुल बिल्कुल. परफॉर्मेंस क्या, शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर. हम लोगों ने काफी शोज किए साथ, वो तो सबको पता ही है, बट शी इज अ वेरी गुड यू नो परफॉर्मर. ये पब्लिक को बहुत अच्छा होल्ड करती है and I also feel very comfortable working with her. अभिषेक सर तो है ही. पहले आप बताओ स्वाति, लोगों को एक्चुअली पता नहीं कि आप मेरे साथ बेटियां शो में थे. ये तो आवर जर्नी स्टार्टेड. यस, हम कैसे मिले? एक्चुअली हम ऐसे मिले, एक्चुअली आई वॉज द डिजाइनर ऑफ वन टीवी शो कॉल बेटी. अगर आप लोगों को याद होगा, कोई किसी को याद है तो प्लीज नाम बताओ किसको याद है. वी डिड वन शो फॉर जी टीवी दैट वॉज बेटियाँ. इन दैट शी मैडम वॉज इन मेन लीड एंड आई वॉज जस्ट अ स्मॉल डिजाइनर. तो हम लोगों ने साथ में काम किया था. आई डिजाइन फॉर द शो, आई डिजाइन फॉर हर. और हम लोग वहाँ से शी लाइक, शायद उनको कुछ पसंद आया होगा, कुछ काम अच्छा लगा होगा. देन वी स्टार्टेड डूइंग पर्सनल एंड देन शी बिकेम फ्रेंड, फ्रेंड से फैमिली, फैमिली से एजेंसी, मतलब आर्टिस्ट. नेहू ने बताया घर की लक्ष्मी बेटा, देखो जानती है. अरे वाह, वेरी गुड. तो मुझे नाम, मुझे कैरेक्टर का नाम याद नहीं है अभी. किसको याद है वो मुझे बताओ. ओह, आई रिमेम्बर दैट शो, कंचन प्रजापति. थैंक यू कंचन. हाय कंचन. हाय कंचु. थैंक यू सो मच. शो वाज सुपर डुपर हिट. एक टाइम का बहुत बड़ा शो हुआ करता था और बहुत फेमस था. शी प्लेड अ वेरी वंडरफुल रोल. उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर था इनका. तीन चार नहीं, बानी नहीं, बानी नाम नहीं था. क्या नाम था शो में आपका? मैं देखती हूँ ना, मैं उसका नाम लेके तीन फ्लैंकेस दूंगी जिसका को परफेक्ट नाम बता दिया. जो भी एक जिस शो में इनका या दो तीन सिस्टर्स का था एंड इट वाज अ वेरी वेल नोन शो. जीटीवी पे काफी लंबा चला था. हमने साथ में बहुत बहुत काम किया था वहीं से. 10 साल हो गया. इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 इयर्स ना. More than 10 years. And now so, don't calculate my age, guys. Please don't calculate. She was too young. Even I was too young. Let's not go on that calculation. Okay. अच्छा, लोग सरस्वती चंद्र के मेरे जो कैरेक्टर टेलीकास्ट, आई गेस कहीं तो टेलीकास्ट हो रहा है इस वक्त. तो काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं अबाउट माय शो और पूछ रहे हैं खरे इस वक्त कहाँ टेलीकास्ट हो रहा है, कौन से चैनल पर. फिर सुधर मैं भी अपनी यादें ताजा कर लूँ. आपका रोल भी बहुत अच्छा. तो ठीक है, मुझे लगा अभी कॉलेज पे शायद रिपीट हो रहा होगा फिर से. हाय आशुतोष. So there are people, let's talk to people now. उनके questions के थोड़े answer दीजिए please. जी जी. Guys please ask your question. Deepika, you are asking some question. Saurabh, hi Saurabh. All star पे सरस्वती चंद्र मैम. ठीक है, मैं इसे देख लूँगी इस पे. We are waiting for your questions. एक्चुअली हाँ, हम मुझसे अगर आप लोग सिवाय झाड़ू पोछे के अलावा अगर आप पूछना चाहते हैं कि लॉकडाउन में मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं पूरा दिन मेरा कैसे यूटिलाइज होता है, मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करना चाहती वो भी करना पड़ता है. और देन हाउ डज एन एक्टर मेंटेन फिटनेस लाइफ. शी इज आस्किंग, दीपिका इज आस्किंग अबाउट योर फिटनेस. प्रणव ने नाम बता दिया, जानवी. यस आपने सही जवाब दिया. ओके, हम फिटनेस मेंटेन रखने के लिए डाइट से कुछ नहीं होता, आपको दोनों मेंटेन रखना पड़ता है.
राइट टाइम पे खाना सोना और ऐसे तो मैं बहुत चॉकलेट्स खाती हूँ लेकिन थोड़ा सा जंक फूड आपको अवॉइड करना पड़ता है, वरना आप चाहे कितना भी एक्सरसाइज करो वो आपकी बॉडी पे उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर दिखाई नहीं देगा। सो यस, मैं अगर मुझे किसी शो के लिए अपना आपको रेडी करना पड़ता है तो मैं ट्वाइस अ डे वर्कआउट करती हूँ, और अगर मुझे सिर्फ बेसिक फिट रहना है तो मैं दिन में एक बार एक घंटे के लिए वर्कआउट करती हूँ। आपका फिटनेस और फेस ग्लो का रीजन बताइए। अभी तो मेकअप है लेकिन यस, घर पे रहकर काफी स्किन मेरी अच्छी हो गई है, बिकॉज अब हम जैसे रेगुलर मेकअप लगा रहे थे, चाहे हम कितना भी प्रोटेक्शन लगा लें अपना, पर कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा तो इफेक्ट होता है फेस पे। बट अभी मैं घर पे जितनी होम रेमेडीज करती हूँ, कभी कॉफी लगाना या कभी आलू लगाना उसका पेस्ट बना के, सो ये काफ़ी मुझे हेल्प कर रहा है। सो इस तरह से अभी मेरे फेस पे एक्चुअली अच्छी हो रही है, एक लॉकडाउन का थोड़ा सा अच्छा असर हुआ है। दीपिका, आप ही का क्वेश्चन देख के मैंने सोनी से पूछा। आप डीजे कब से, डीजेइंग कब से स्टार्ट कर? हाँ, वो सवाल मेरा मुझसे भी है, वो तो अभी काम है वो बीच में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हो गया था मेरा। मैंने और अभिषेक ने यही सोचा था कि दिस 31st वी आर गोइंग टू प्ले, ऐसा हो गया था। हमने काफ़ी इस चीज़ के बारे में स्टडी भी कर ली थी, लेकिन जिस तरह से ये लॉकडाउन आया तो प्रैक्टिस छूट गई और मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो ही आपका हाथ बैठता है। तो आपको बहुत अच्छा एक म्यूजिक का, जैसे कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड में कुछ अलग आप हमारे हिंदी सॉन्ग्स और जो भी हमारे जो देसी नंबर्स हैं, जो जैसे कि आँखों को काजल जो आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं, उस तरह के गाने का मिक्स करके हम वैसा कुछ रिकॉर्ड प्ले करेंगे, तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। आई डोंट नो, ओके, स्माइली ही, वाओ, इस तरह के क्वेश्चंस, एग्जैक्टली, हाउ कैन यू आस्क सच क्वेश्चन ऑनलाइन, जाने दो, आई एम मैं इनके लिए तो मैं ऐसे करूंगी। हेलो सनी, डायरी ऑफ आशू सेइंग हाय सोनी, हाय हाय सलमान, सलमान से याद आया कि सलमान जी के साथ जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था तो मैं तो उनको देखकर ऐसा हो गया था कि स्टॉप ब्लॉक हो जाता ना, कि सब कुछ फ्रीज हो गया जब मैंने सलमान जी को पहली बार देखा था। सलमान, गुड कॉम्प्लीमेंट। यस, सलमान खान तो प्रणव बोल रहे, जानवी गोदरिया इज अ प्ले बाय गोदरिया। अब वो हो गया, किसी और ने बोल दिया, वो जीत चुके हैं। हाँ, ही वाज द वन। हाय नमिता, हाय, आई एम जस्ट सेइंग, ओके, हाय पीहू, so let's ask some question again, we can continue with the question. When you go for event or when you perform in public, what do you what do you expect from public, to crowd se aap expectation kya rakhti hain jab aap public show ke liye jaate hain, what do you think? Har ek abhineta wo apne taaliyon ka pyar ka इसी तरह के भूखा होता है कि उसको लोग अप्रिशिएट करें, तो कभी कभार मेरे साथ हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं हुआ है मेरे साथ कई बार स्टेप भी चुकी हूँ लेकिन लोगों ने जिस तरह से मैं हंस देती हूँ और फिर मैं
मुस्कुरा के डांस करने जाती हूँ कंटिन्यू, तो उस लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से मुझे हमेशा मेरे ऑडियंस ने वेलकम किया है। जहाँ भी मैंने आप लोगों के साथ शो किया है मुझे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया है। हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा मेरे ऑडियंस के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि आगे चल के अब जब मैं आपके साथ आफ्टर दिस लॉकडाउन शो करूँ तो इस जिस तरह का प्यार आपने मुझे दिखाया उसी तरीके का प्यार आप हमेशा मुझे दिखाएं। तो बेसिकली पीपल आर आस्किंग हाउ डू स्टार्ट योर डे, मतलब आपका दिन, आपका डाइट प्लान क्या होता है, आप कैसे इतना मेंटेन करती हैं? अगेन समवन इज आस्किंग सेम क्वेश्चन दैट एनी ब्रांड प्रमोशन विद सोनू कपूर। एक्चुअली मेरा डे स्टार्ट होता है मैं अपने लिए कॉफी बनाती हूँ और कभी टाइम जैसा नहीं होता, आगे पीछे होता है क्योंकि अभी आप थोड़ी सी ब्रोकन स्लीप होती है कभी कभार, लेकिन मैं उठती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ अपनी मम्मी के लिए, चाय बनाती हूँ, फिर हम थोड़ी देर न्यूज़ देखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि क्या चल रहा है आजकल, अब कहाँ तक पहुँची है चीज़ें। रोज़ एक यही उम्मीद से देखते हैं कि वैक्सीनेशन बना क्यों नहीं बना, तो वो देख कर फिर उसके बाद मैं फिर किचन में अपना फिर वही बावर्ची, राजू बावर्ची बन जाती हूँ फिर वो बन के बस खाना वाना एंड देन आई गो फॉर माय बाथ, देन आई कम, फिर मम्मी को सर्व करती हूँ, फिर मैं खाती हूँ, देन आई जस्ट वॉच टीवी फॉर सम टाइम, देन आई डू मेडिटेशन, आई रीड समथिंग, देन आई गो फॉर अ स्लीप फॉर अ व्हाइल, आई वोक अप, फिर ब्लैक कॉफी, फिर मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। सो इस तरह से मेरा अभी ये पूरा डे टाइम क्रॉस होता है। सो बेसिकली यू आर फुल यूटिलाइजिंग योर लॉकडाउन। जी हाँ, मैं कभी कभी जिस दिन मुझे लगता है कि आज मुझे आराम नहीं करना तो मैं उस दिन अपना अपने लॉकडाउन की फोटोशूट जो मैं करती हूँ वो करती हूँ, या मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ कि मैं अपना दिन किसी तरीके से उसे वेस्ट ना जाने दूँ, कुछ करती रहूँ। अभी आपका कोई नया शो या कुछ ऐसा लाइंड अप था जो गॉट पोस्टपोन्ड बिकॉज़ ऑफ द लॉकडाउन? हाँ, एक्चुअली एक शो था और मेरे काफी, तो आपको भी पता है we can't hear you, काफी लॉकडाउन की वजह से ऊपर कैन यू हियर मी नाउ, की वजह से जो इवेंट्स थे जैसे क्या आप जानती हैं स्वाति और अभिषेक, तो उसके वजह से वो इवेंट्स काफी उस पे काफी एक नुकसान पहुंचा है। टीवी शोज का तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो एक ही थे, एक दो थे, लेकिन ये मेरे काफ़ी सारे शोज थे और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, तो मुझे लगा मैं यहाँ ट्रैवल करूँगी फिर वहाँ ट्रैवल करूँगी, तो वो एक ट्रैवल पार्ट मेरा मिसिंग हो गया। तो उस चीज़ का टैलेंट फुल ऑन बोल रही हूँ, सोनी इज ऑल्सो गुड सिंगर, जस्ट शट अप, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अरे ही इज जस्ट टेकिंग माय केस नाउ, ऐसा कुछ भी भाग जाएगी सब एटीट्यूड अगर है तो थोड़ा बहुत सुना दीजिए, मैं भी सुनना चाहूंगी। जी नहीं, देखो ऐसा होगा, लोग ऐसे करेंगे। जेरी बोल रहे हैं मैम वी आर मिसिंग यू एंड विल बी हैविंग अ सेकंड सीजन एज रॉकिंग एज फर्स्ट सीजन। यस ऑफ कोर्स दिस विल बी अ डैम रॉकिंग सीजन, मुझे पता है इस बार का, तो मतलब हम कह सकते हैं इसमें ड्रामा होगा, इसमें मतलब बॉलीवुड होगा, सब कुछ जितना हम एक मसाला डाल सकते हैं हम इस वाले सीजन में जरूर डालेंगे, और मैं एक्चुअली इस वाले सीजन के लिए बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। आप क्या ऐसा स्पेशल इस सीजन में करने वाली है जो हमने लास्ट सीजन में नहीं देखा? तो एक्चुअली मैं सोची थी कि किसी कुछ हम कुछ एक एक्ट भी रख सकते हैं ये वाले सीजन में जो ऑडियंस काफी एंजॉय करे, क्योंकि वो तो जो टीवी पे मुझे देखते हैं वो लोग करते हुए, तो वो अगर वो सामने देखेंगे तो उनको आई गेस उन्हें ज्यादा मजा आएगा, ये तो मैंने सोचा हुआ था, लेकिन अभी इस बात की रोशनी नहीं डाली है मैंने, बस सोचा है,
तो देखते हैं, अगर हम जब टीम बैठेंगे डिस्कस करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो जरूर इसको इस सीजन में हम लोग ऐसा रखेंगे. मुझे बहुत मजा आएगा अगर ऑडियंस चाहती है कि मैं कथक करूँ तो डेफिनेटली मैं करूँगी. What do I eat? अभी तो मैं ज्यादा चूज ही नहीं हो सकती हूँ कि मैं डाइट का खाऊं, क्योंकि कभी अवेलेबल होता है, कभी नहीं होता है, कभी वो टाइम पे नहीं आ पाता है. सो व्हाट आई डू इज मैं रात में जो खाती हूँ वो दिन का, मतलब दोनों मील मेरा डिफरेंट होता है. मैं एक रोटी, मेरे सैलड होते हैं साथ में, और दही और सब्जी इस तरीके का. पर अभी मैंने कभी कभी मैं दलिया खाती हूँ अगर मैं रोटी अवॉइड करती हूँ तो, बिकॉज ज़्यादा हमारा घर में वॉक वगैरह भी कम होता है. सो आई गेस अगर हम लोग कम क्वांटिटी का खाएं तो वो बेटर होगा, और अगर हम सैलेड ज़्यादा रखें अपनी प्लेट में तो इट्स बेटर. सो मैं और रात पर्सनल क्वेश्चन आल्सो, डू यू ईट राइस? कभी कभार मैं मील थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ अपना, तो कभी मैं राइस लेती हूँ, बट मैं रात को बहुत कम खाती हूँ. स्पेशली अगर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है तो मैं अवॉइड कर देती हूँ रात का मील. तो व्हाट आई डू इज मैं या तो दूध पी लूँगी या तो सूप पी लूँगी. तो मैं कोई ठोस लंच, सॉरी ठोस डिनर अवॉइड करती हूँ, जो कि मैं, क्योंकि इतना थक जाते हैं आफ्टर वर्कआउट, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अभी वॉक नहीं कर पा रही, तो बैठे रहने से अच्छा तो पचेगा नहीं. सो इससे मैं थोड़ा कम खाती हूँ रात को. Kissing, you're so fit. Hi, yes. She is. हम सब इनको फिटनेस के मामला में हम सब इनको एडमायर करते हैं. हमारे यहाँ अगर 100 एक्टर्स है एक तो, या 10 एक्टर्स है, लेट्स आउट ऑफ 10 शी इज ऑन फर्स्ट नंबर व्हेन इट कम्स टू. Yay! And I really appreciate her. Thank you. मैं और मेरी बेटी जब ये तैयार होती है, whenever we go for it, we are always like, we don't do anything, we just sit and admire her. Oh, that's Riya. Hi, Riya. Hi, Riya. Riya, मैं आपका मेकअप बहुत मिस करती हूँ. और मेरे पास वो पिंक ड्रेस की आई शेडो मैं हमेशा देखती रहती, जिसमें आपने इतना सुंदर आई शेडो बनाया था. मैं सो यस अभी जो हमारा जो शो है जिसका ऑनलाइन हो रहा है, उसमें कुछ रूल्स हमने ऐसा जो हमें रखना चाहिए जो जो लास्ट ईयर नहीं था ऑनलाइन में, कुछ डू यू हैव एनी सजेशन फॉर दैट? सॉरी आई डिडंट गेट इट. कम अगेन. आई मीन अभी हम लोग ऑनलाइन ऑडिशन ले रहे, लास्ट टाइम वी वेंट एंड वी टुक द ऑडिशन, वहां पे जाके परफॉर्मेंस देखा लिया. अभी कुछ ऐसा कुछ नया चेंजेस जो हम ऑनलाइन में ले सकते हैं वो पॉसिबल है क्या? मतलब कुछ ऐसा नया चीज दैट वी कैन आस्क फॉर यू नो ऑनलाइन ऑडिशन? ऑब्वियसली है कि जब हम एक मॉडल बनते हैं तो सबके अंदर के, जैसे मैंने आपका फर्स्ट सीजन के जब ऑडिशंस में देखे, जब मैंने स्टेज पे भी देखा था, तो उनके अंदर एक एक्टर भी है, हर किसी के अंदर अभिनेता है. तो वो बॉलीवुड में अपना पैर जमाना चाहते हैं कि मैं कुछ बनूं, मैं भी एक नाम कमाऊं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपना एक एक एक्टिंग का एक पीस बनाकर एक कुछ इस तरीके का भी दिखा सकते हैं लोगों को, हम इस तरह का ऑडिशन भी ले सकते हैं कि वो एक एक्ट करें किसी चीज़ को लेकर, या तो खुद का या तो फिर एक लॉकडाउन में जिस तरह से लोग अभी नहीं मान रहे हैं और हम उनको एक मैसेज दे सकते हैं, उसके ऊपर भी एक आप एक एक एक्ट बना सकते हैं. तो इस तरीके का एक एक्ट बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ये एक हमने हमारे टैलेंट में ऑडिशंस में ये नहीं देखा था, मिस आउट किया है, तो ये हम देख सकते हैं इस वाले सीजन में. दैट्स अ गुड सजेशन एक्चुअली. एंड सुनिया, आई वांटेड टू आस्क, डू यू हैव एनी आईडिया अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? यस ऑफ कोर्स. मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग से हम जैसे
कि अभी हमें बोला गया कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और हम अभी हम शूट नहीं कर पा रहे हैं, और हमें अभी हमें भी काफ़ी चीज़ें आती हैं इसके लिए, मार्केटिंग के लिए, तो वो आप घर पे रहकर भी उस तरीके का कर सकते हैं। अगर कोई भी मार्केट, जैसे अभी फ़िलहाल मुझे एक चीज़ के लिए आया था, तो जब वो मुझे अप्रोच करते हैं तो मैं अपने लॉकडाउन जो अभी हम क्वारंटाइन है इस स्टेप का पालन करते हुए हम अपने घर पे शूट कर सकते हैं, हम अपने घर पे इस स्टेप की मार्केटिंग कर सकते हैं, तो इस तरह से हम उसकी सेल भी हो गई और हमने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी निभा लिया। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अभी तो आप देख सकते हैं सभी इसे फॉलो कर रहे हैं और ये काफ़ी एक अच्छी तरीके से फॉलो अप हो रहा है, सो इट्स अ बेस्ट वे टू डू इट। Basically, we can do, guys, let me tell you one thing, our Active Sony Singh is also doing digital marketing at the moment, because as a company, we think, you know, this is the safest way to promote a product, jo public tak ya hamare Sony ji ke fans ho, ya phir public hai wahan tak, to ye pahunch jayega product, they'll also know exactly, because whenever we do any promotions, we always try that product before and then only do it, right? आप पहले आप कोई भी प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन करती हैं तो पहले डेफिनेटली वी यू ट्राई इट फर्स्ट एंड देन ओनली यू डू द प्रमोशन, राइट? ये सब कोर्स ऑफ कोर्स मेकअप के भी, क्योंकि मुझे मेकअप के लिए काफी ब्रांड्स के आते हैं, अप्रोच करते हैं मुझे मेकअप के लिए, फिटनेस के लिए, जो फिटनेस ड्रिंकिंग जिस एनर्जी ड्रिंक हुआ उसके लिए, इन चीजों के लिए काफी मुझे अप्रोच करते हैं लोग, तो मैं हाँ उनको पहले टेस्ट करती हूँ, मेरी काफ़ी उनसे पहले बात हुई कि अगर मैं अपने फैंस को बोलूँ कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें तो वो मेरे ऑडियंस के लिए भी अच्छा ही है, तो डेफिनेटली करती हूँ मैं। तो बेसिकली जब भी जैसे सपोज अगर अभी डिजिटल मार्केटिंग हम लोग इसलिए प्रमोट कर रहे हैं या एज अ कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम बिहाफ, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टैलेंट फुल ऑन, that we are promoting our all actors for digital marketing, it is because it is more safe, and whenever we promote some product, we always ask our actor or our company people, we always try it before promoting, so that it is more promoting safer. Definitely, because they trust us, so humko wo cheez karni bahut zaruri hoti hai, yes, so that is more safer, and प्रोडक्ट अभी सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाएगा, वी कैन सिट एट होम एंड वी कैन डू आवर वर्क, सो इन दैट वे आवर इंडस्ट्री इज आल्सो वर्किंग एंड वी आर मेंटेनिंग आवर रूल्स आल्सो, हमारे रूल्स हम उसको फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली, सो दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइज, माई एक्टर्स, ऑल माई एक्टर्स, सोनी सिंह, I will suggest you to go on Sony Singh, because the reason that I am telling talking about her, okay, it is because आप उनको सामने देख सकते हो, she is so maintained, पिछले 10 साल I am just seeing her just like that, she maintain herself, she maintain her diet, she maintain her hair, she is a well dancer, she is just too perfect according to me. Yeah, actually अभी मैं related to hi Manish डांस डेफिनेटली आई डू समथिंग मे बी, जैसे कि हमारे इंडियन हम अपने इंडियन घुंघरू को, मैं भी घुंघरू के ऊपर हूँ, या हम अपने जैसे कि हमारे बैंगल्स हो गए, डांस करते हैं हमारे कत्थक में हाथ की अदाएँ और कलाएँ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सो मैं डेफिनेटली इस चीज़ को प्रमोट करना चाहूँगी इस बार कि so मैं, basically you want to give online कत्थक क्लासेस कर सकती हूँ मैं। It's a wonderful idea. Guys, let me tell you, she is a wonderful dancer. She has been dancing from, since childhood. इनका जो dance है, इनकी जो activity है, that is like too good. So अगर किसी को anybody who wants to learn dance, you can contact me for that, for sure. You can contact Talent Full On. We will think over it, and then we will have a great discussion with Talent Sony Singh. If you're interested, yes, definitely. Then we will think over it. For sure. We can take हमारे जो semi-final के जितने runner up रहेंगे, हम उनसे ये performance भी करवा सकते हैं, तो मैं उनको सिखाऊंगी और मैं उनके साथ रहकर आई गेस हम लोग एक group perform कथक का जरूर कर पाएंगे, जो हमारी female होंगी, this will be a new thing,
तो वही तो मैं कह रही हूँ कि हमारा जो ये सेकंड सीजन है स्वाति, ये इस तरीके का वो कि लोग बिना मतलब बुला पाएंगे इन सेकंड सीजन जो हमारे सेमी फाइनलिस्ट ही गाइस, शी टोल्ड यू ऑनलाइन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो हमारे फाइनलिस्ट होंगे शी वांट टू यू नो डू अ ग्रुप डांस कथक डांस विद ऑल द कंटेस्टेंट्स, सो गाइस गेट रेडी सेमी फाइनल, यू गेट अ चांस टू डू कथक विद सोनी सिंह एंड लेट मी टेल यू गाइस शी इज अ वंडरफुल डांसर. हम जब बात करते होते हैं अपने ऑडियंस से, जिस तरह से हम इंटरेक्शन कर रही हैं इस वक्त में आपके साथ, तो आप लोगों की दिल की जो बातें होती हैं मैं सुनती हूँ, तो फिर वहां से भी हमको काफी आइडियाज मिलते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए और आपको किस तरह से और एंटरटेन करें जो कि आप हमें देखना चाहते हैं जिस तरह से स्टेज पे. तो मुझे लगता है कि ये भी एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है इस तरह से बात करके आप लोगों से आपकी और ख्वाहिशें जानने का. Of course. Actually, this is what that is why we decided to go live with our actors, especially who are our special ones. So that we can have a good conversation, जो हमारे दर्शक हैं उनके दिमाग में जो हो वो आपसे शेयर करें. आप अगर कुछ अच्छा आइडिया दे सकती हैं being an actor about acting or anything, तो जो हमारे viewers हैं उनके तक आपकी आप ऐसी कुछ बातें जो as an actor बनने के लिए helpful हो अगर आप वो शेयर कर सके, then it will be really really good for our people, our viewers. Related to acting, पर मैं ये भी जैसे अभी बिग बॉस का मैंने आपको बताया था, मैं करना कुछ और चाह रही थी और मैंने कर लिया बिग बॉस, तो वैसे ही आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री टू बिकम अ कोरियोग्राफर, पर मैं एक्टर बन गई. लेकिन मैंने एक्टिंग अपने एक्सपीरियंस से सीखी चीज़ें कर करके, वो ये जितना आप काम करते रहते हो उतना पॉलिश होते रहते हैं. लेकिन एक्सपीरियंस मैं आपको सिखा दूंगी, लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो आप तब तक सीख नहीं पाएंगे. तो जी हाँ, टिप्स तो मैं आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि मेरे भी काफ़ी जो को एक्टर्स हैं जो मुझसे बड़े हैं उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई. पर एक एक्टर को एक अच्छा एक्टर होने के लिए उसे ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है. तो कैन वी स्टार्ट अ ऑनलाइन क्लासेस? ओहो, लेट मी थिंक अबाउट. पहले तो हम डांस सीख रहे हैं या हम एक्टिंग सीख रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग बेसिकली एट दिस प्लेटफॉर्म, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी वांट यू टू गिव अस सम एक्टिंग क्लासेस का कोई अगर हो सके, बिकॉज ये टाइम है जहाँ लोग घर बैठे हैं. क्योंकि जो डांस आप बोल रही हैं, आइदर वी कैन हैव अ डांस सेशन, डांस एक्टिंग, डांस का अपना एक सेशन कर सकते हैं, आइदर फॉर द एक्टिंग, वॉट एवर इज द बेस्ट वे. और लेट्स लीव इट ऑन आवर व्यूअर, उनको क्या चाहिए, वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम सोनी सिंह, लेट देम डीएम अस. अगर उनको लगता है कि वी शुड स्टार्ट ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस फ्रॉम सोनी सिंह, देन वी विल डू दैट. If they think they want to learn dance from Sony, I think that we can start that session. What was it? Yeah, let's the audience decide what they want, and we can come to conclusion then after that. So it is always pleasure having you on our show or our events. So कुछ ऐसा मोमेंट आप शेयर कीजिए अपना चैलेंज फुलॉन के साथ या हमारे डायरेक्टर अभिषेक के साथ, बहुत जो आपको लगा हो मुझे बहुत अच्छा था या बहुत बुरा या ऐसा कोई मोमेंट यू वांट टू शेयर विद अस. बुरा तो कभी रहा नहीं, जितने इवेंट्स रहे हैं हमारे हर जगह की एक स्टोरी है. हमने एक बार हमें आना था रायपुर, तो हमारा कितना लंबा ट्रैवल हुआ गाड़ी का, उस हमारी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और
हमें पहुंचना था, हम कुछ 5-6 घंटा और लेट पहुंचे. तो हमने काफी कभी जैसे नॉर्मली एक एक्टर बोलते यार उस टैलेंट के साथ हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे बस शो करके आ गए. मेरा एक्सपीरियंस नॉट बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बट आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू गाइस और मुझे हमेशा मजा आया, हमेशा हमने बैक स्टेज बहुत मस्ती की है. फिर हम जाके में जाती थी मैं, और जैसे ही हमारा शो खत्म होता था हमने उसके बारे में ग्रैंड पार्टीज की. मुझे एक्चुअली ये देखना चाहिए, हमें अभिषेक से पूछना चाहिए कि बैक स्टेज उसकी सिर्फ कितनी टेंशन होती है और वो किस तरह से रिया. पर हाँ, मैंने हमेशा ना चाहे कितनी भी टेंशन हो, आई हैव सीन अभिषेक स्माइलिंग. दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली. जैकेट पहन के दूर से मैं ऐसे करती हूँ कभी कभी, मैं अभिषेक ने He's like this every time. Main pura he yeah. is actually very patient. Inke abhi aankh mein taare naach rahe hain. Abhishek is the whole soul kind of person. Jab bhi aap jao to मुझे मैं आँख बंद करके जैसे हम फीमेल्स होती हैं, हम अलग अलग शहरों में जाते हैं तो आपको डर लगा रहता है, लेकिन मैं आँख बंद करके टैलेंट रनवे के साथ, टैलेंट फोरम के साथ अपना कोई भी इवेंट कर सकती हूँ. सो मैं तो अपने को एक्टर्स को भी हमेशा सजेस्ट करती हूँ, या मेरे जो भी मुझसे अगर कभी कोई पूछता है क्रॉस क्वेश्चन करके कि हाउ इज टैलेंट रनवे और हाउ इज टैलेंट, सेड गाइस यू कैन गो आराम से. दीपिका सिंह यू आर अ गुड एक्टर, आप उसके लिए क्या बोल सकते हैं? ये तो शी डज नॉट सीम टू, शी इज अ वेरी गुड. आई नो पर्सनली आल्सो गाइस, व्हेन लाइक आई स्टार्टेड यू नो माय करियर विद हर, हम लोगों ने साथ में शो किया, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 इयर्स देन आई मेरी ये 10 साल पहले मेरी शादी से पहले जानते थे. Yes, it's before your marriage. Before my marriage. So it is like it's been a beautiful journey. हमने start किया show वहाँ से, then you became friend. Yes. तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, सोनी, be the way you are. We love to see you. Thank you. Thank you. Keep coming on new shows and. खूब सारे इवेंट्स करो हमारे साथ आप, और आगे भी आपका शो जैसे हिट रहा है और तरक्की करो दिन ब दिन, बिकॉज हम आपसे यू नो एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज आई नो यू आर अ गुड एक्टर एंड जो भी आप करते हो हमेशा सेलेक्ट करके ही करते हो. यू जस्ट डोंट डू द शो बिकॉज फॉर द जस्ट फॉर द मनी और यू नो क्योंकि लोग चाहते हैं. आई हैव सीन बहुत सारे ऑफर्स हमने भी दिए, काफी रिजेक्शन आए उनके साइड से, आई डोंट डू दिस काइंड ऑफ रोल, आई डोंट डू दैट काइंड ऑफ रोल. सो इट्स बीन लाइक शी और मेरे लिए चैलेंजिंग रोल था जब मैंने ये शो किया था अपना दैट शो दैट भोजपुरी शो, कौन सा है वो, प्रतिज्ञा. यस हाँ, सो दैट शो वाज चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज़ I've never played this kind of a role. Indian में मैं बहुत कम play किया है television में, ज़्यादातर western negative role. और Indian में भी इस तरीके का Indian ये जो आप साड़ी पहन के घर की बहू बने, तो वो मेरे लिए बहुत difficult था. मुझे जो याद है first day मेरे पसीने छूट गए थे, मैं जब मैं क्योंकि जब मैंने ऑडिशन दिया था सॉरी जब मैंने लुक टेस्ट किया था तो तब उधर उसमें हिंदी में लाइंस थी, तो मैंने हिंदी में ऑडिशन दिया, अपना लुक टेस्ट कर लिया सेम डे, सब कुछ फाइनल, आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग. सो इट्स लाइक मैम आपका कजन शूट है, ओके एवरीथिंग वाज डन. या सो आई वेंट टू द रूम, मुझे बोला कि आपकी साड़ी है, मेकअप वेकअप, आई डू माई मेकअप, तो मैं मेकअप वेकअप कर रही थी. तो स्क्रिप्ट आई, जैसे स्क्रिप्ट आई सारी, व्हाट इज दिस, क्या लिखा है, लाइक मैडम आपकी लाइन है,
आई सेड आई डोंट नो हाउ टू स्पीक मैं बोलूं इसको कैसे क्या तो मैंने कहा पर थोड़ा लिंगो थोड़ा क्या आई डोंट नो सो दे लाइक नहीं नहीं आपको मैडम बताया नहीं किसी ने ऐसी तो लाइन से ओ माय गॉड मैं पहुंची हूँ सेट पे और मेरे पसीने छूट रहे क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब डायरेक्टर से डांट पीटेगी या पता नहीं मेरी ऑडियंस देखेगी तो मजाक बनेगा कि यू नो वी हैव सीन सोनी सिंह डूइंग गुड रोल्स और जिस तरह से वो काम करती है प्रॉमिसिंग जहाँ तक मैंने अपना इंप्रेशन बनाया वो कहीं खराब ना हो जाए तो मेरा वो चल रहा था दिमाग में कोशिश कि मैं क्या करूँ बट देन जो मेरे को एक्टर्स थे मैंने उनको देखा बोलते हुए मैंने उसी वक्त उनका लहजा कॉपी किया और अपनी लाइन जिस तरीके से बोली जैसे वो बोलते हैं सो थैंक गॉड बार बार बची हूँ मैं उस वक्त बट हाँ मेरे पसीने उस वक्त छूट गए थे इतना काम करने के बाद भी मैं बहुत डर गई थी कि मुझे लगा आज तो बेइज्जती होगी डेफिनेटली होने वाली है ऊपर से देखा था आई वाज नॉट देयर बैक स्टेज तो जो देखा था द परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट जो आपने किया था वो शो बहुत अच्छा होल्ड किया था आपने काफी टीआरपी भी बढ़ी थी उस टाइम आपके आने से उसके बाद स्वाति आपको पता है काफी लोग मुझे सोचने लगे थे कि मैं बिहार से हूँ दे आस्क्ड मी बिकॉज़ आपके जो गूगल प्रोफाइल में है गई थी शायद अपने इवेंट के लिए अभिषेक के साथ जो इवेंट के लिए गई हूं बस एग्जैक्टली आप इवेंट के लिए गई थी और आपने बेसिकली आपने इवेंट किया और तब आपको पटना शहर के बारे में नॉलेज हुआ एंड यू डेफिनेटली एंजॉयड गोइंग देयर यस यस उससे पहले आप कभी पटना गई नहीं मैं कभी नहीं गई और मैं आपको एक बात बताऊं ये लैंग्वेज बोलने में इतना मज़ा आता है ना यू इन्जॉय अ लॉट मुझे मैं बोल नहीं सकती जब मैं जब बोलने लग गई थी ये लैंग्वेज तो मैं इतना इन्जॉय करती थी इसको तो इसलिए लोगों को इतना लगने लगा प्रॉमिसिंग लगने लगा कि वो लोग ने बिलीव कर लिया कि हाँ सुनी सिंह पटना से है और मैं इतना इन्जॉय करके ये लैंग्वेज बोलती थी कि मैं हर जगह शुरू हो जाती थी मैं अपने मेकअप दादा अपने स्पॉट दादा अपने डायरेक्टर अपने को एक्टर सबसे इसी लैंग्वेज में बात करने लगी थी जाके जब मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भरवाने जाती थी सो जब वो इस लैंग्वेज में मुझसे पूछते थे कि हाँ मैम भर दें तो फिर मैं भी बोलती थी हाँ भर दीजिए तो मुझे इतना एंजॉय होता और आई वाज लाइक आई यूज्ड टू एंजॉय दिस लैंग्वेज एंड स्टिल आई जब समटाइम्स पीपल टॉक टू मी इन दिस लैंग्वेज तो मैं उनके साथ शुरू हो जाती हूँ सो इट्स सच अ वंडरफुल लैंग्वेज एंड यू एंजॉय अ लॉट कुछ लाइन बोल के बताइए ऐसा जो अभी तो बोले हैं डीजे योगी सुनाई नहीं दिया पड़ा आपको हाँ अच्छा एक और पूछना था आजकल वेब सीरीज का जमाना है हाँ जी हाँ हम आपको वेब सीरीज में नेक्स्ट कब देख रहे हैं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप महेश भट्ट के वेब सीरीज के लिए बने अभी तक मैंने आपको महेश भट्ट के वेब सीरीज में क्यों नहीं आप अभी नहीं देखेंगे ये लॉकडाउन खुलते ही डेफिनेटली आप मुझे मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी बट आप मुझे एक वेब सीरीज में जरूर देखेंगे मैं तो आपको महेश भट्ट के वेब सीरीज में देखना चाहती हूँ बिकॉज व्हेनेवर आई शो सी हिज शोज आई ऑलवेज थिंक यू नो दिस अगर यहाँ पे फोनी होती तो ये शो और ऐसा होता उनके एक्टर्स जो हैं उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज वेरी वेरी सिमिलर टू योर नेचर और द वे यू कैरी योर सेल्फ सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कभी भी वेब सीरीज करें तो यू शुड स्टार्ट विद हिम ओनली यस डेफिनेटली मैं देखो कोई ना कोई जरा यहाँ जरा पहुँचा देना मैसेज उनके पास आप भट्ट साहब भट्ट जी ले लीजिए अपने शो में बट यार डेफिनेटली मैं नहीं जानती कि कब होगा पर हाँ होगा पर ये लॉकडाउन खुलते ही आप मुझे एक वेब सीरीज में जरूर देखेंगे एक नए रोल के साथ और एक नए कैरेक्टर के साथ आप जरूर देखेंगे मुझे आप मेगा बाय बोल रही हैं उसको शी हैज टू टेक क्लास बाय मेगा बाय थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस प्लीज जॉइन अस जब भी हम आते हैं लाइव पे आप आना आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच आप जबलपुर भेड़ाघाट जा चुकी हैं ना हाँ हाँ तो पूछ रहे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद भेड़ाघाट जबलपुर हाउ वाज इट मैंने वहां पर कोई तबला मंजीरा वहाँ पे वो बजा रहे थे
आई गेस डीजे आप वहीं की बात कर रहे हैं. हाँ, वही. Right, right. साथ में गए थे इवेंट के लिए और बिट्टू मेड़ा घाट. यस सी डांस. तो हम बस ऐसे ही घाट पे गए थे देखने के लिए कि कैसा रहेगा. तो वहाँ पर कुछ साधु लोग बैठे हुए थे और वो मंजीरा बजा रहे थे और कोई तबला बजा रहा था. तो उनका म्यूजिक इतना अच्छा लगा सुनकर कि मैंने डांस करना शुरू कर दिया वहीं पे लोगों के बीच में. तो मेरे साथ जो मेरे को एक्टर्स जो आए थे जो उस इवेंट में थे तो वो भी डांस करने लगे. तो हमने पूरी ऐसे गोल चक्कर बना के हम सब उनके साथ डांस करने लगे. आपको तो उस वक्त किसी ने पैसे नहीं दिए लेकिन हम डांस करके आ गए. So it was pleasure having you on the show and बहुत मजा आया आपसे बात करके सुनी. And I would like to take you on live again with a new topic, है ना. And we want to do so many events with you. We want to do digital with you and we want to be with you for longer and longer years. And और क्या बोलूँ, be safe, stay at home. जी मैं भी अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी हमने मेंटेन कर रखा है लॉकडाउन में अपने आप को, हम घर में हैं और मुझे पता है इस वक्त क्या फील होता है कि हम जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो जा रहे हैं तो क्यों ना हम चले जाएं. लेकिन अब एक्चुअली हमें उन्हें समझाना चाहिए कि जिस तरह से अभी तक हमने सीएम रखा हुआ है ये हमारे अच्छे के लिए, हमारे फैमिली के अच्छे के लिए है. क्योंकि ये एक चेन है, अगर एक टूटेगी तो फिर सब टूट जाएगा. तो अभी जिस तरह से हमने मेंटेन रखा हुआ है तो जिस तरह से आपकी सोसाइटी में भी रूल्स हैं और जो लोग उन्हें मेंटेन रखे हैं, थैंक यू सो मच, इसी तरह से मेंटेन रखिए. और यार हमने हर जंग जीती है, ये जंग भी हम जरूर जीतेंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली. और आप जैसे एक्टर्स हमेशा इंस्पायर करते रहे अगर तो इट विल बिकम मोर इजियर फॉर अस कीप कमिंग लाइव सो दैट यू नो वी कैन डू कन्वर्सेशन, लोग इंस्पायर हों घर बैठे बैठे, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे एट होम. वी विल बी मीटिंग यू सून ऑन लाइव विद द न्यू टॉपिक. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एक्चुअली थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा.